ब्लॉक के कोड़ासार गांव के युवक ने धारदार कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला। तखतपुर थाना के अंतर्गत ग्राम कोड़ासार की घटना, जहां आपसी विवाद के चलते तेज धार कुल्हाड़ी से अमित कुमार साहू के गर्दन के पीछे जमकर वार कर दिया, जिससे खून से लथपथ आहत होकर जमीन पर वो गिर गया। फिर भी आरोपी देव प्रसाद पिता जगदीश यादव 27 वर्षीय निवासी कोड़ासार ने पीड़ित अमित कुमार साहू को दोबारा वार करना चाहा। इस बीच परिवार वाले आकर किसी तरह बीच बचाव किया, तब आनंद फारन में किसी तरह स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर लाया गया, जहां परीक्षण के बाद हालत को देखते हुए सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर रेफर कर दिया। इसी बीच परिजन तखतपुर थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ वारदात को बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। तब थाना प्रभारी तुरंत सकते में आकर आरोपी को पुलिस बल भेजकर धर दबोचा, फिर उसे गिरफ्तार कर थाना ले आए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कोड़ासार में देव प्रसाद यादव ने अमित साहू से उनकी माँ के बारे में इधर उधर घूमने की बात कही, तब दोनों में वाद विवाद चालू हो गया। देखते देखते दोनों के बीच हाथापाई चालू हो गया। लोगों के द्वारा बीच बचाव करने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। इसी बीच देव प्रसाद यादव अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर निकला और अमित को जान से मार दूंगा कहते हुए उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे अमित साहू के गर्दन के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आई। तब पीड़ित को बिलासपुर रेफर किया गया। तब पुलिस ने जलेश्वर साहू के रिपोर्ट पर आरोपी देव प्रसाद यादव पिता जगदीश यादव के विरुद्ध धारा 307 294 506 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। कहाँ है डायरी?